हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी दशहरा। तो आज दशहरा, तो इस उपलक्ष में कुछ मीठा तो बनता ही है, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे का हलवा। ये मैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाऊंगी, ना इसमें कोई ड्राई फ्रूट का यूज करूंगी, बिल्कुल सिंपल और आसान से तरीके से मैं ये हलवा बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक मेजरमेंट सेट कर लें कि आप किस नाप से इसको हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ये गेहूं का आटा लिया है, नॉर्मल वाला जो आटा होता है, तो इसे मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और इसके बाद मैं इसे भूनूंगी। हमने एक कटोरी यहाँ गेहूं का आटा लिया है, इसमें आधा कटोरी मैं घी का यूज करूंगी और तीन कटोरी मैं पानी का यूज करूंगी, जितना आटा उससे तीन गुना पानी। ये आटे पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, अगर आपका आटा मोटा है तो उसमें तीन कटोरी के करीब पानी लगता है, नहीं तो ढाई कटोरी, अगर बारीक वाला आटा है तो ढाई से तीन गुना पानी इस हलवे में लग जाएगा। और चीनी थोड़ा, गेहूं का जो आटा है वो थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे एक कटोरी आटा लिया तो उसमें मैं पौना कटोरी चीनी का यूज करूंगी और आधा कटोरी घी का यूज करूंगी। तो आप एक कोई भी कटोरी या बर्तन सेट कर लें और उसी के हिसाब से इसमें ये सारी चीजें डाल लें। जैसे मैंने एक कटोरी आटा, आधी कटोरी घी, पौना कटोरी चीनी और तीन कटोरी पानी का यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गैस को ऑन कर दिया और इस आटे को मैं बिल्कुल लो गैस पर भूनूंगी। तो 6 से 7 मिनट इस आटे को मुझे भूनते हुए हो गए और इसमें से अब एक बहुत बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो आप देख रहे हैं इसका थोड़ा सा कलर भी ब्राउन हो गया है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आटे का हलवा बनाते उस आटे को बहुत अच्छे से भूनना है और लो गैस पर ही भूनना है, नहीं तो हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि जो आटा होता है उसे भूनने में टाइम लगता है और अगर तेज गैस पर भूनेंगे तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से रह जाएगा कच्चा। तो लो गैस पर मैंने इसे करीब 6 से 7 मिनट तक भून लिया है, हमारा आटा भुन जाएगा। इसके अंदर मैं डालूंगी, तो अभी आटे को मैं करीब, तो आप ये इधर देख रहे हैं कि मैंने साथ साथ क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि आने के लिए क्वांटिटी में इसे अगर पानी जितनी क्वांटिटी उसे उबल जाएगा तो हलवा भी सेक का टाइम सेट कर लें, क्योंकि हमारे इधर आप देख रहे हैं कि गैस पे मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अगर पानी पहले से उबाल के रखेंगे तो फटाफट से ये हलवा बन जाएगा और बहुत ही जल्दी बनेगा। तो सब अब जैसे ही आटा भुन गया मेरा, और आटा जो आटे का जो हलवा होता है उसके आटे को थोड़ा सा ज्यादा भूनना पड़ता है सूजी से, क्योंकि इसमें जो कलर होता है थोड़ा सा रेड सा ही होता है। तो आप देख रहे हैं अच्छा ब्राउन सा कलर इस आटे का हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी घी, मैंने घी इसमें पहले नहीं डाला, कई लोग पहले घी डाल के फिर आटा भूनते हैं, मैं इसमें बाद में डालती हूँ। तो घी और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, पर जो आटे का हलवा होता है ज्यादा घी में ही अच्छा लगता है और थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, तो इसमें थोड़ा सा आप क्वांटिटी ज्यादा ही रखें। तो आप देख रहे हैं घी डालते ही आपको दिख रहा होगा कि आटे का जो कलर है वो कितना बढ़िया सा बिल्कुल ब्राउन हो गया है। अब इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक और थोड़ा हिला लेंगे। डालने के बाद मैंने इसे 1.5 मिनट तक और भून लिया आटे को। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चीनी, यहाँ पे मैं पौना कटोरी चीनी का यूज कर रही हूँ, इसे भी इसमें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो यहाँ मैं बिना बिल्कुल ड्राई फ्रूट के और उसके बहुत ही सिंपल से तरीके से बिल्कुल जैसे ऑथेंटिक आटे का हलवा बनता है उस तरह से बना रही हूँ। तो इस दशहरे पर आप ये हलवा एक बार जरूर से ट्राई किए, क्योंकि बहुत ही जल्दी भी बन जाएगा और बहुत स्वाद भी बनता है। अब इसके अंदर हमने जो पानी उबाल लिया था, यहाँ पे मैंने 3 कटोरी पानी को उबाला है, जितना आटा लिया था उससे 3 गुना, उसे भी मैं अब इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो एकदम से हलवा जो है वो गर्म होता है, पानी जब हम डालते हैं तो एकदम से ऊपर की तरफ उछलता है। और गैस को रखें इस टाइम पे आप बिल्कुल लो, नहीं तो इसके जो हलवे के छींटे हैं वो बाहर तक आएंगे। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने जो 3 कटोरी पानी वाला था उसे मिक्स कर दूंगी, पूरा पानी इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया। अब इसे मैं थोड़ा गैस को कर लूंगी लो टू मीडियम और इसे अच्छे से मैं भूनूंगी। आप देख रहे हैं कि 1 कटोरी आटे में, यहाँ पे थोड़ा सा मोटे वाला आटा था तो मेरा यहाँ पे 3 कटोरी पानी यूज हो गया है और इसे बिल्कुल ये परफेक्ट हलवा बनेगा। अब इसे हम दोबारा से बस 3 से 4 मिनट और भून लेंगे। तो पानी डालने के बाद करीब मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक और भून लिया। तो आप देख रहे हैं हलवे ने कढ़ाई में घी को छोड़ना शुरू कर दिया और बिल्कुल ये कढ़ाई से चिपक नहीं रहा। तो अब जब आपको ये लगे कि कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो गया, इसने घी छोड़ दिया है, तो समझ जाएं कि आपका हलवा बन गया है। इधर मैं गैस को कर दूंगी बंद
और इसे एक बर्तन में कर लूंगी ट्रांसफर। तो हलवे को मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से डालूंगी पिस्ता और ये काजू जिन्हें मैंने छोटा छोटा कर लिया चॉप। ये ऑप्शनल है। तो बिल्कुल ही ऑथेंटिक तरीके से मैंने इस हलवे को बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है सिंपल से तरीके से फटाफट से। अगर आपने आटे को पहले से रख लिए तो हलवे को बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा, 4 या 5 ही मिनट आपको लगेंगे। अगर आपको मेरी ये हलवे की गेहूं के आटे के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी दशहरा। थैंक यू।